Hello everyone. Today we are going to learn about relative velocity. I am Sarvesh Jimbi. I will be giving this demo lecture on relative velocity. The key points to be covered in this class will be definition of relative velocity and how do we calculate relative velocity. अब हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मीन्स दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर टू। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू लिया है, अगर ऑब्जेक्ट टू जा रहा है थ्री की स्पीड से, तो ऑब्जेक्ट वन क्या देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट टू जा रहा है थ्री की स्पीड से। मतलब ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर 4 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा है और ऑब्जेक्ट सी रेस्ट पर है। यह है ऑब्जेक्ट ए और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट सी, तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पर है। तो फिर अब हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करनी है। हमारे पास फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। सो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए है 4 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सी है 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड, जो मिलेगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सी। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सी, ये कैलकुलेट करना है। तो हम फिर से पहले जैसा ही करेंगे, पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी निकाल लेते हैं। बी की वेलोसिटी यहाँ पर है 3 मीटर्स पर सेकेंड और अपना सी जो है वो रेस्ट पर है। तो हम वापस वही फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सी, जो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी थी 3 और वेलोसिटी ऑफ सी है 0, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो है 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ देखो कि ये वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, बी यहाँ जा रहा है और ये ए यहाँ जा रहा है। तो हम ये कंडीशन में क्या करेंगे, कौन से भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और वही फॉर्मूला लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू
velocity of object B। तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, velocity of object A minus velocity of object B, वो हो जाएगा velocity of object A 4 है minus velocity of object B 3 है, पर अपने ये direction positive लिया है तो ये direction minus में होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा minus 3। इसका मतलब velocity of object A with respect टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी हो जाएगा 4 माइनस माइनस 3 7 मीटर्स पर सेकेंड। अब भी हम यही क्वेश्चन देखेंगे ट्रिक के साथ। ये ट्रिक कुछ ऐसी है, पहले दोनों ऑब्जेक्ट को निकाल लो, दोनों को वेलोसिटी दे दो, ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर जा रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड से। तो हम देखेंगे कि ट्रिक कैसे लगानी है। ये ट्रिक लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर लाएंगे। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी और ए निकाल लिए अपन ने, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देके 3 मीटर्स पर सेकेंड, और ए को भी इसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन कंसीडर की थी उसी डायरेक्शन में दे देंगे 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब हमें क्या हो जाएगा, ये 3 जो है वो रेस्ट पर रह जाएगा, क्योंकि ये 3 और ये 3 गया, और ये ए यहाँ पर 7 से आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब तो सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ बी तो 0 है, तो अपन को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मिल जाएगी 7 मीटर्स पर सेकेंड। होप यू एंजॉयड, थैंक यू।